सर BMS रोबोटिक्स पार्ट A to Z वैरायटी अवेलेबल है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि 20 एम्पियर में चाहिए, 30 एम्पियर में चाहिए और 1S चाहिए, सिंगल सेल के लिए चाहिए, तो BMS में बहुत ज्यादा सारे हमारे चार्जिंग मॉड्यूल आ जाते हैं। प्रो मिनी है, माइक्रो है, नैनो है, लिली पैड है, यूनो है, और ये सारे हमारे कौन से सेंसर होने वाले? LDR मॉड्यूल है, फ्लैम सेंसर है, IR मॉड्यूल है, अच्छा TCRT 5000 मॉड्यूल है, IR मॉड्यूल का नया मॉडल आई है, थर्मिस्टर सेंसर, सारे मॉड्यूल डिस्प्ले है। 31-10 हो गया, 31-16 हो गया, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक हमारे पास क्लास डी मॉड्यूल है। ये देखो दोस्तों, ये ऊपर हो गया, अब इसके नेगेटिव पॉजिटिव बदल देंगे तो ये नीचे हो गया। नीचे बेसिकली ये हाइड्रोलिक्स की तरह वर्क कर रहा है। हमारे DC मोटर्स हैं, इनमें जो है हमारे पास में ये ड्रोन की बहुत सारी वैरायटी है, ये ड्रोन चलाने के लिए मिनी पायलट, ये देखो ये IC है, ये सारे ICs हैं, इनके सामने इनकी सारी वैल्यू की स्टार्टर किट है, ब्रेड बोर्ड वगैरह और जो मेन मॉड्यूल ये सारे PCBs आ गए जो कि अलग अलग साइज में है। तो हेलो गाइज, आज हम आ चुके हैं AKSS इलेक्ट्रॉनिक्स, लाजपत राय मार्केट में लोकेटेड है, शॉप नंबर जो है 472 है, और बेसिकली इनके पास में ऑल टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, सेंसर, BMS, रोबोटिक्स पार्ट A to Z वैरायटी अवेलेबल है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर रखा है, क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड वगैरह सारी चीजें हैं, एक एक करके सारी चीजें देखने वाले हैं हम। और ये जो है लाजपत राय मार्केट में लोकेटेड है शॉप, शॉप का पूरा मेन बोर्ड है ये, जहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे जो चीजें हैं वो अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। और ये जो है शॉप का पूरा मेन बाहर से इस तरीके का लुक है। और ये भाई है शॉप के ओनर सलमान भाई, कैसे हो? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो क्या क्या आपने पास में अपडेट की हो चीजें, क्या क्या नया नया चीज आया है अपने पास में? हमारे पास यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, बेसिकली दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें आप लोगों को दिखाएंगे, और रेट जो है आप जानने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, बहुत बेस्ट प्राइस मिलेगा, है ना सलमान भाई? तो सलमान भाई कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले क्या दिखा रहे हो? हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर है सारे। अच्छा, ये देख सकते हो, देखो कितने एम्पीयर का, छोटे से छोटा बूस्ट है। हाँ हाँ, यहाँ से लेके सारे हमारे पास बूस्ट कन्वर्टर है। अच्छा, A to Z लेवल के हो गए। अच्छा, जो 1200 वाट, 1500 वाट, 1800 वाट, ये हमारे बूस्ट है। अच्छा, जो 12 से ये सारे बूस्ट कन्वर्टर थे, बूस्ट कन्वर्टर कम वोल्टेज दोगे ज्यादा बढ़ाए, मतलब ज्यादा कर सकते हैं, कम वोल्ट देके ज्यादा कर सकते, कम वोल्ट देके अगर किसी को ज्यादा करना हो तो वो इससे इजीली हो जाएगा। 12 से 24 है, 40 है, 12 से 18 है, वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये हमारा बक बूस्ट कन्वर्टर आ जाते हैं सारे। अच्छा, जिससे हम जैसे सपोज हमने 12 वोल्ट दिया, 12 से 5 भी कर देंगे, 12 से 24 भी कर देंगे। अच्छा, ये उस चीज के लिए। अच्छा, ये सारे BMS आ गए अपने पास, 1S से लेके, ये देखो 1S से लेके 13S तक सारे BMS है। सारे BMS बिल्कुल अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर रखा है, जैसे कि 20 एम्पियर में चाहिए, 30 एम्पियर में चाहिए और 1S चाहिए, सिंगल सेल के लिए चाहिए, तो BMS में बहुत ज्यादा वैरायटी है। ये कौन सा रेड वाला, कौन सा BMS है अपने पास में? हाँ, ये कौन सा है रेड वाला? ये 4S 30 एम्पीयर का BMS है। अच्छा, 4S 30 एम्पीयर का BMS है, ये मैंने अभी आपके ही पास देखा है। मतलब कि वैरायटी बहुत ज्यादा मिलेगा, आप एक बार व्हाट्सएप पे भैया से मैसेज करना, कैटलॉग मांगना, या फिर आपको मेरे से जो भी प्रोडक्ट है उसकी फोटो और क्वांटिटी व्हाट्सएप करनी है। अच्छा, कॉल नहीं करना, कॉल क्या है, हम अपने फोन जो है अपने ड्रोन में डाल करके रखते हैं में, और कस्टमर को हम अटेंड करते हैं, जैसे ही आपको मैसेज आएगा तो हम आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, शॉप पे भी जो है काफी भीड़ रहती है, तो आप लोग मैसेज कर देना, मैसेज का रिप्लाई टाइम मिलते ही दे दिया जाएगा। उसके बाद में ये सारे QC के चार्जर्स हैं, QC फास्ट चार्जर है, ये चार्जिंग मॉड्यूल है। अच्छा, ये देख सकते हो दोस्तों, ये सारे TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल हो गए, TP5100, TP5000। ये आपका माइक्रो USB, Type C to USB। अच्छा, ये सारे चार्जिंग मॉड्यूल, ये सारे हमारे चार्जिंग मॉड्यूल आ जाते हैं। उसके बाद में ये हमारे पास में मीटर कौन सा है? ये वोल्ट एम्पियर मीटर है, ये बैटरी अच्छा। मीटर है, ये वोल्ट एम्पियर के साथ 5 वोल्ट चार्जिंग वाला मॉड्यूल है। अच्छा, ये है, ये आपका बैटरी कैपेसिटी मीटर है। अच्छा, बैटरी कैपेसिटी मीटर आ गया, ये HLK है हमारे पास, 5 वोल्ट 2 वाट 3 वाट, 5 वोल्ट 5 वाट, 5 वोल्ट 10 वाट, 5 वोल्ट 20 वाट, ये आपका स्टेप डाउन है। अभी यहाँ पर आपके RF वाली सीरीज आ गई है। अच्छा, ये सारी हमारी RF की वाली लाइन, RF की है, ये देखिए दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर ये Arduino की लाइन आ गई है। ये बेसिकली RF का काम क्या होता है? RF का होता है किसी भी चीज को वायरलेस बनाने के लिए। अच्छा, वायरलेस बनाने के लिए, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे हम इसे टच सेंसर में भी यूज कर सकते हैं। लोग हो गए, अच्छा डोर लॉक वगैरह में, लॉक हो गए, पंखा कूलर वगैरह को घर बैठे ऑन ऑफ करने के लिए। अच्छा, ये होता है, ये देखिए यहाँ पर ये Arduino के माइक्रो कंट्रोलर है, Arduino प्रो मिनी है, माइक्रो है, नैनो है, लिली पैड है,
यूनो है, यूनो डिप है, ये सारे माइक्रो कंट्रोलर है। अच्छा, ये सारे जो है माइक्रो कंट्रोलर्स हैं आर्डिनो के। जी अच्छा। ये एसटीएम के माइक्रो कंट्रोलर है, ये एसटीएम बोलते हैं, एसटीएम 8 है, एसटीएम 32 है, अच्छा एसटीएम 411 401, ये आर्डिनो डू है, मेगा है, और आपके ये फिर ये ESP की आ गए, ESP 8266 है। अच्छा, ये सारी ESP 32 के आ गए, ESP 32 के दो मॉडल है, फिर कैम के साथ है, कैमरे के साथ है। अच्छा, ये दोनों नए मॉडल आए, मतलब सारे सेंसर हैं, MQ2 गैस सेंसर वगैरह जो भी चाहिए आप लोगों को, ये तो सेंसर में भी बहुत प्रोग्रामिंग चिप बेस आया हुआ है। अच्छा, डायरेक्ट आप इस पे प्रोग्राम करने के लिए, ये देखो ESP 32 का, ये ESP 8266 का है। अच्छा, ये ईथरनेट मॉड्यूल आ गए सारे, ये लिडार सेंसर वगैरह है, अल्ट्रासोनिक है, PIR है, ये आपका इतनी वैरायटी मुझे नहीं लगता कि किसी और शॉप पे इतने अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया होगा, और बहुत ज्यादा वैरायटी है, ये देख सकते हो, ये फिंगरप्रिंट मॉड्यूल वगैरह है, ये RTC 3231 है, ये डिस्टेंस सेंसर है। अच्छा, ये सारे IR मॉड्यूल आ गए प्रोजेक्ट लाइन के, ये टच सेंसर है इसमें, मतलब प्रोजेक्ट के लाइन में A to Z वैरायटी है ना अपने पास में। अच्छा, ये टेस्ला कॉइल है, और ये तुम्हारा ये भी टेस्ला, ये भी टेस्ला कॉइल है, हाँ, ये भी टेस्ला कॉइल है, छोटी मतलब बड़ी दोनों वायरलेस ये काम करता है ना एक तरीके से, लाइट वाइट जलाने के लिए। हाँ है, वायर हीटिंग करने के लिए। और ये सारे हमारे कौन से सेंसर होने वाले हैं? LDR मॉड्यूल है, फ्लैम सेंसर है, IR मॉड्यूल है, अच्छा TCRT 5000 मॉड्यूल है, IR मॉड्यूल का नया मॉडल है, ये है थर्मिस्टर सेंसर है, अच्छा 8 IR है, वाटर लेवल सेंसर है। अच्छा, ये आपका 500 मिलीवाट का लेजर है एंग्रेविंग करने के लिए। अच्छा, ये लेजर है? हाँ, लेजर है, 3D प्रिंटर के लिए यूज होता है। अच्छा, 3D प्रिंटर में यूज होने वाला लेजर है। हाँ, ये 250 मिलीवाट का लेजर है। हाँ, इसमें हमारे पास 1500 मिलीवाट भी लेजर मिल जाएगा। अच्छा, ये आपका ट्रैफिक लाइट मॉड्यूल है, ये ट्रैफिक लाइट मॉड्यूल है। अच्छा, और ये मिनी प्रोजेक्ट में यूज होता है ना बेसिकली। ये आपका साउंड सेंसर आ गए सारे, ये देखो ये साउंड सेंसर है दोस्तों, ये सारे सेंसर की लाइन आ गई, ये देखिए अब यहाँ सारे सेंसर्स की लाइन है, उसके बाद में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये डिस्प्ले कौन से अपने पास? ये डिस्प्ले है नोकिया 5110 की है, OLED 1.8 है, अच्छा 2.4 है, 2.4 है, 2.8 है, 3.5 है, 3.5 है। अच्छा, फिर ये नॉर्मल LCD आ गई, ग्राफिक LCD। अच्छा, ये सारे ग्राफिक LCD है। जी जी जी, अब ये आ गए हमारे एम्पलीफायर मॉड्यूल, ये देखिए दोस्तों क्लास डी में बहुत अच्छे तरीके से सारे मॉड्यूल डिस्प्ले है, 3110 हो गया, 3116 हो गया, छोटे से लेकर और बड़े से बड़े तक हमारे पास क्लास डी मॉड्यूल है। अच्छा, सारे मॉड्यूल अवेलेबल है एम्पलीफायर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये TP 3110 है, ये 8610 है, ये LM386 का बोर्ड है, ये DTMF बोर्ड है, ये PAM 8406 का बोर्ड है, ये 8403 है, BT चिप है, M18 चिप है, BT ट्रांसमीटर वगैरह है। अच्छा, ये AP 505 का है मेरे ख्याल से, AP 505 है, और ये MT21 है। अच्छा, ये TP3116 है, ये TP3116 D2 है। हाँ, D2, ये TB21 है, एम्पलीफायर मॉड्यूल है, TB21 है। अच्छा, ये AP55 बोर्ड है। अच्छा, गोल्ड AP55 है, IRS 2092 500 वाट का मोनो बोर्ड बोर्ड है, ये 500 वाट का मोनो एम्पलीफायर बोर्ड। जी जी जी, इसमें ब्लूटूथ कन्वर्ट करके करना पड़ेगा अपना, 500 वाट का चला सकते हैं अपना DJ टावर वगैरह मेनली बन जाएगा बहुत इजी। और ये 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड है। हाँ, ये 3116 में ब्लूटूथ के साथ आया है, 120 ये ब्लूटूथ के साथ में आया। जी जी, अच्छा ये मोनो में आता था, अभी ब्लूटूथ में आ रहा है। मोनो में ये रहा ना इसका, ये मोनो, हाँ, ये रहा मोनो। एक तो ये मोनो में एक स्पीकर चलाएगा। अच्छा, ये गोल्ड का है, ये दो स्पीकर चलाएगा 120 वाट के, 120 ये दो स्पीकर चलाएगा 120 वाट के दो स्पीकर। अच्छा, ये ब्लूटूथ के साथ एक ये वर्जन नया आया है, ये देखिए ये वर्जन है, ये आपके 3D प्रिंटर के 4988 वगैरह है मॉड्यूल वगैरह। अच्छा, ये सारे 3D प्रिंटर के मॉड्यूल, ये दो आइटम लगे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये पगा, ये 3116 के 15+15 वाट वाले, 30+30 वाट, ये 30+30 है, ब्लू वाला, ब्लू वाला भी 30+30 है, एक ही आया है। अच्छा, 3116 में 15+15 वाट है, ये 30+30 वाट है, ये 50+50 वाट है, ये मोनो है, ये नहीं स्टीरियो है। अच्छा, स्टीरियो है, ये स्टीरियो है। अच्छा, हाँ, ये सारे एम्पलीफायर मॉड्यूल है। अच्छा, तो दोस्तों ये सारे जो है हमारे क्लास डी के जो डिजिटल ऑडियो प्लेयर हैं, ये सारे एम्पलीफायर बोर्ड्स हैं। जी जी, उसके बाद में हम इस तरफ चलते हैं, आपके रेसबरी पाई के। अच्छा, रेसबरी पाई 3B प्लस है, 542 GB है, 4GB है, 558 GB है, 4GB है, सारे आ गए। ये आर्डिनो यूनो R4 है, वाईफाई वाला है, विदाउट वाईफाई वाला है। अच्छा, ये सारे प्रोजेक्ट में यूज होते हैं हमारे। ये देखिए ड्रोन का ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये FPV ट्रांसमीटर रिसीवर के साथ आएगा। ये इनकी रेंज क्या होती है सलमान भाई?
इसकी रेंज मतलब ये ट्रांसमीटर इसी पर है जो ये 50 मीटर के आसपास 50 मीटर वाले और ज्यादा बड़ा थोड़ा बड़े लेवल में चाहिए वो भी मिल जाएगा ना अपने पास अगेंस्ट ऑर्डर पे मिलेगा गैन ऑर्डर। अच्छा ये पाई जीरो डब्ल्यू है पाई पीको है हाँ एसटी लिंक का है एक करंट मॉड्यूल है ये देखिए दोस्तों करंट मॉड्यूल है ना ये मॉड्यूल है ये है इसे फेंक के दूसरा भरवा दे ये हो गया ये एलसीआर मीटर है ये देखिए ये सारे एलसीआर ये आपके ड्रोन की बैटरी आ गई ये देखो ये सारे लीपो बैटरीज हैं हमारे ये सारे जो कि ड्रोन में वर्क करते हैं ड्रोन की 2200 mAh है ये आपका 2200 mAh 4S में ये 3S में 3500 mAh 4500 mAh 6S 6200 mAh 4S 10000 mAh का ये रहने वाला है और बहुत ब्रांडेड बैटरीज हैं दोस्तों ये जो ड्रोन की होती है ना उनमें बहुत अच्छी खासी बैटरीज है ये देखो 10000 mAh ये देखिए ये पूरे बाजार में नहीं मिलेगी इंशाल्लाह 4S बोन का की है 10000 mAh की बैटरी है बहुत सही और अब कितनी हैवी बैटरी है ये मतलब कि टाइमिंग इसकी तो बहुत अच्छी होगी ये देखो टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी मिलेगी ये KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर है KK 2.1 फ्लाइट कंट्रोलर है आपका ये देखो दोस्तों ये है ड्रोन का है ये पिक्सो के अच्छा ये पिक्सो के ये देखिए दोस्तों तो ये सारे बेसिकली हमारे कंट्रोलर्स हैं जो कि ड्रोन में यूज होते हैं ये देखो ये सारी चीजें आप लोगों को इस शॉप पे मिल जाएगा ये APM है आपका ये देखो ये APM ऑटो पायलट है अच्छा ये APM है ये देखो इन सभी का रेट आपको जानना है तो व्हाट्सएप कर सकते हो सलमान भाई को तो बेस्ट रेट आप लोगों को मिलेगा और उसके बाद में ये एसी ब्लॉकेज वगैरह अगर चाहिए कूलर वगैरह के ब्लॉक है 40mm 40 into मतलब एक पेल्टियर के लिए दो के लिए तीन के लिए चार के लिए सोलेनोइड लॉक वगैरह आ गए अच्छा उसके बाद में ये मोटर्स वगैरह आ गई ये देखिए दोस्तों ये सारे मोटर्स हैं हमारे जो कि डीसी मोटर्स हैं ये ओनली सैंपल है यानी कि हाँ सैंपल है सारे डीसी मोटर्स हैं और आपके डीसी मोटर है गियर मोटर है वाटर पंप है एयर पंप है स्टेपर मोटर है स्टेपर मोटर सर्वो मोटर तो ये सारा सैंपल है ड्रोन का भी मोटर है ये लीनियर एक्चुएटर है अच्छा ये देखो ये लीनियर एक्चुएटर है ये किस काम में आता है सलमान भाई अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए ये देखो इसका काम ऐसे होता है 12 वोल्ट देंगे ये देखो दोस्तों ये ऊपर हो गया अब इसके नेगेटिव पॉजिटिव बदल देंगे तो ये नीचे हो गया नीचे बेसिकली ये हाइड्रोलिक्स की तरह वर्क कर रहा है ना अच्छा हाइड्रोलिक्स की तरह ये जो है वर्क कर रहा है दोस्तों बहुत बढ़िया मोटर है साइज आते हैं 100mm 200mm और 300mm अच्छा पावरफुल इससे भी पावरफुल चाहिए तो वो भी मिल जाएगा ना मतलब तो एक बार ये पूरा खोलना सलमान भाई ये मिस्ट मेकर शो कर रहे हैं ये सारे हमारे डीसी मोटर्स हैं इनमें जो है हमारे पास में ये ड्रोन की मोटर है ये वाला मोटर दिखाओ ये रेडियो स्काई की ये 1000kV 1400kV 2200kV सारी मोटर अच्छा 1800kV 2200kV सारे मॉडल अवेलेबल है रेडियो स्काई की अच्छा रेडियो स्काई की मोटर ये बहुत पावरफुल वाली मोटर है ये अच्छा इसके साथ में फैन ब्लेड भी आती है फैन ब्लेड वगैरह भी दिखाऊंगा मैं आपको अंदर आओगे अच्छा तो दोस्तों अब जो है हम इस वाले काउंटर पे आ चुके हैं उधर से एक साइड हमारा इस गली में काउंटर है अच्छा ये आपका SSR आ गए डीसी टू डीसी SSR रिले मॉड्यूल है अच्छा सॉलिड स्टेट रिले अच्छा इसमें तीन मॉडल आते हैं डीसी टू एसी एसी टू एसी और डीसी टू डीसी अच्छा फिर उसमें एम्पियर आते हैं 10 एम्पियर 25 एम्पियर 40 एम्पियर ऐसे अच्छा ये SSR के रिले मॉड्यूल वगैरह ये सारे रिले हैं अलग अलग चैनल में सिंगल चैनल में टू चैनल फोर चैनल एट चैनल फिर नॉर्मल रिले मॉड्यूल हो गया ये आपका वन चैनल वाला है ये वन चैनल टू चैनल फोर चैनल एट चैनल 16 चैनल अच्छा सारे रिले मोड एक से लेके 16 चैनल तक जी 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 अच्छा ये हमारे वायरलेस रिमोट आ गए ये देखिए वायरलेस रिमोट वाला है चार बटन वाला चार बटन में ABCD फिर HL के वगैरह तुम वहाँ लगा रखे थे अच्छा ये इसमें लॉक अनलॉक है लॉक अनलॉक है ABCD ऑन ऑफ के लिए आते हैं डोर लॉक के लिए अच्छा ज्यादातर डोर के लिए आते हैं कार वगैरह के लिए नहीं आते हैं कार लगा सकते हो आप कार अच्छा अपने अकॉर्डिंगली जिसमें एडजस्ट करना चाहो ये आपका स्पोर्ट वेल्डिंग पेन है अच्छा इस मार्केट में सबसे पहले मंगाने वाला मैं ही हूँ इस मार्केट में सबसे पहले स्पोर्ट वेल्डिंग का पेन मंगाने वाला ये मॉड्यूल मंगाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ अच्छा क्योंकि इनके पास में दोस्तों हर चीज की वैरायटी मिलेगी सब कुछ मिलेगा प्रोजेक्ट से 2000 वाट थायरिस्टर मॉड्यूल है इसका क्या 220 वोल्ट की फैन को स्पीड कम ज्यादा कर सकते हो कोई सी भी डिवाइस को ये जो स्पोर्ट वेल्डिंग हमारा जो ये किट है जी तो इसके साथ में अलग से मॉड्यूल लगाना पड़ेगा ये डायरेक्ट पेन है स्पोर्ट वेल्डिंग ये मॉड्यूल है अच्छा इसके थ्रू लगाना पड़ेगा एक SMPS या तो इसे पावर देनी है बैटरी से इन्वर्टर वगैरह की बैटरी से अच्छा ये आपका चार्जिंग मॉड्यूल वगैरह आ गए हमारे जैसे 12 वोल्ट की बैटरी को 24 वोल्ट को ये चार्ज मॉड्यूल है सारे चार्जर मॉड्यूल आ गए हमारे ये W1200 टेम्परेचर कंट्रोलर वगैरह है अच्छा ये है
ये आपका डीसी की स्पीड कंट्रोलर है, डीसी मोटर जो थी ना, हाँ हाँ, उनकी ये सारे डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर्स हैं। इसमें जो है 2 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर 40 एम्पियर तक है हमारे पास। अच्छा, जो आजकल सेल्फी वो चल रहा है, इतनी हैवी है ये, 40 अभी आपके पास ही देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह करम है, हमारे पास यूनिक आइटम मिलेंगे ज्यादातर आपको। ये देखिए थोड़ा हैवी सा फील भी हो रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी में। ये 30 एम्पियर में, ये रिवर्स फॉरवर्ड वाला है। अच्छा, ये वायरलेस स्विच है एसी का, 4 बटन का है। अच्छा, लाइट पंखा कूलर वगैरह कुछ भी ऑन ऑफ कर सकते हो घर में कहीं भी बैठ के। ये मिनी स्पोर्ट वेल्डिंग किट है, आजकल जो सबसे ज्यादा चल रही है मिनी स्पोर्ट। अच्छा, ये देखिए ये है, ये मिनी स्पोर्ट वेल्डिंग किट अगर आप लोगों को चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। हैवी वाली है, पहले इसमें हल्की आती थी, पहले इसमें हल्की आती थी, उसमें डिस्प्ले इस तरीके का नहीं लगा होता। अभी हैवी में आ रही है। अच्छा, अभी अच्छी क्वालिटी में आ रही है तो मिल जाएगी। PWM है, 30 एम्पीयर की स्पीड, मतलब लाइट वगैरह को कंट्रोल करता है, LED वगैरह को। अच्छा, ये जिप सॉकेट है, ये सारे जिप सॉकेट है। अभी हमारे स्पेयर पार्ट्स की है, ये मैंने स्पेयर पार्ट्स से डिस्प्ले इसलिए लगाई है। ये किस चीज के स्पेयर पार्ट्स हैं? सब ये इंडस्ट्रियल में लगते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल वगैरह में सारे कंपोनेंट्स वगैरह, ये देखिए इसमें डायोड वगैरह हो गया, सारी चीजें। कंपोनेंट्स की लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आइटम है कंपोनेंट्स में। IC, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, डायोड, MOSFET, सब कुछ हो गया। तो अभी आ जाओ, सारे सेंसर मॉड्यूल्स हैं। ये देखिए दोस्तों, ये pH सेंसर अभी हमने आपको वहाँ पे दिखाया था उस काउंटर पे, लेकिन इस काउंटर पे भी दिखाते हैं। बहुत सारी वैरायटी है, एक जगह डिस्प्ले करना इतना इजी नहीं है। तो ये देखिए सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले हुई है। थर्मल प्रिंटर है ये देखो, आजकल चल रहा है थर्मल प्रिंटर, ये छोटा सा प्रिंटर है। जी हाँ, बहुत बढ़िया चीज है, थर्मल प्रिंटर है। ये देखिए, किसी को चाहिए तो वो ऑर्डर कर सकता है। और ये आपका ये स्टेपर मोटर के ड्राइवर है, DM 556 542 TB 6600। अच्छा, ये सारे स्टेपर मोटर के ड्राइवर, कंट्रोलर, ड्राइवर्स वगैरह। ये स्टेपर मोटर का है, मोटर स्पीड कंट्रोल। अच्छा, स्टेपर मोटर जो हमारा होता है वो प्रिंटिंग में काम आता है ना? हाँ, प्रिंटिंग के लिए, 3D प्रिंटर के लिए यूज़। अच्छा, 3D प्रिंटर कुछ भी चीज़, मतलब जो अपने अकॉर्डिंग आपको चलवानी है। हाँ हाँ, तो उसके लिए तो अपने पास में प्रिंटर्स भी होते हैं 3D प्रिंटर। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स होते हैं। ये DSO 138 है, ऑस्किलोस्कोप बोलते हैं। अच्छा हाँ, ये स्टीलिंग है, पिक 3 प्रोग्रामर वगैरह, ये सारे हो गए, सारी चीजें हैं A to Z। ये सारी साइज की हीटसिंक है अपने पास, सारे साइज की हीटसिंक जो होते हैं वो। वायरलेस चार्जर है, ट्रांसमीटर, रिसीवर, वायरलेस। अच्छा हाँ, और ये आपके IC बेस आ रहा है, प्रोग्रामिंग वाले। अच्छा, ये SMD IC को प्रोग्राम करने के लिए होते हैं सारे, SMD IC को प्रोग्राम करने के लिए। ये स्पेयर पार्ट्स की कैट लोग है, ये लीड वगैरह है जो यूज होती है। तो ये सोलर पैनल वगैरह सारी चीजें आपको मिलेंगी। ये 3D प्रिंटर की बेल्ट है। अच्छा, क्या चीज है सलमान भाई? ये 3D प्रिंटर में जो यूज होती है ना, पुल्ली वगैरह पे लगाते हैं मोटर में, उसकी बेल्ट है। 160 mm से लेकर 910 mm तक हमारे पास है। अच्छा, लूप बेल्ट बोलते हैं इसे, लूप। अच्छा, ये मीटर के हिसाब से आता है या फिर खुली ओपन बेल्ट आती है मीटर के हिसाब से? हाँ, साइज के अकॉर्डिंग आती है। अच्छा, 160 mm की, 188 mm है, 200 mm है, 250 mm है, 300 mm, 500 mm, 600 mm, उसके अकॉर्डिंग ये बेल्ट होती है। अच्छा ठीक है, ये आपका ये बेल्ट हो गई। ये आपका सोलर पैनल आया हुआ है, इम्पोर्टेड सोलर पैनल। अच्छा, ये मार्केट में जो इंडियन सोलर पैनल बेच रहे हैं हमारे पास, 12 वोल्ट 10 वाट का, हम सोलर पैनल यूज नहीं करते, लेकिन जो हमारे मेन बंदों पे आया था तो मंगा लिया। अच्छा, सोलर पैनल डिमांड पे मंगाते हैं, डिमांड पे। और ये जो है, मतलब कि क्या वारंटी गारंटी इसकी रहेगी? इसकी गारंटी नहीं आती है, 12 वोल्ट 10 वाट का सोलर पैनल है। अच्छा, ये सोलर पैनल है ये मेन कैटेगरी। अच्छा, ये देखिए अंदर में भी कुछ इस तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। अच्छा, ये मिनी पायलट, मिनी पायलट, हाँ, मिनी ड्रोन चलाने के लिए मिनी पायलट। ये देखो, ये और ये देखिए, ये जो हमारा रिमोट वगैरह हो गया, सारी चीजें हैं। IMX चार्जर चाहिए बैटरी चार्ज करने के लिए ड्रोन वगैरह की, 30-60-90 कनेक्टर है। एंटी स्पार्क वाले नए कनेक्टर है, 90 के जो एंटी स्पार्क वाले कनेक्टर है। अच्छा, महंगे कनेक्टर होते हैं 90 के। अच्छा, प्रूफ वगैरह सब कुछ होते हैं, ये भी नया मंगाया है। अच्छा, और आपके ये कनेक्टर वगैरह की लाइन है, ये हमारी स्पेयर पार्ट्स की लाइन है। अच्छा, जिनमें हम डील करते हैं IC, ये आईसी, ये सारे ICs हैं, इनके सामने इनकी सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये देखो, ये रहे, ये ट्रांजिस्टर हैं, ये IC है ऊपर वाले ट्रांजिस्टर थे। अच्छा, और आपका ये है LM की सीरीज है सारी। अच्छा, ये सारी LM की जो होती है ना, LM 324, 348, 358, 378, ये 78 की सीरीज है, 78, 5, 9, 12, 15, 18 सारा आइटम पड़ा हुआ है कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में तो इतनी आइटम्स होती हैं, कंपोनेंट्स में लिमिट नहीं है। ये हाँ, स्टार्टिंग मैंने इसी से करी है, कंपोनेंट्स की नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह के करम से पूरी है। अच्छा, कहाँ क्या मिलता है ये सब, ये सारे IC है बढ़िया। ये देखो दोस्तों, ये IC है,
ये SMD की रेजिस्टेंस वगैरह है। अच्छा, सारे साइज मिलेंगे, 600 सारे स्विच वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको, स्विच वगैरह कनेक्टर वगैरह सारे। ये SMD की रील है, SMD की रील वगैरह। और अब आप यहाँ जाओ, ये हमारा DIY ड्रोन किट है। अच्छा, ये जो हमारा मिनी ड्रोन किट इस समय बहुत वायरल चल रहा है ना जी, असेंबल करके बच्चे अपने खुद के लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं जी, और वो भी फ्लाई करेगा बहुत अच्छे तरीके से। ये FSI-6 है, एक्स है, एस है, ये 37mm सेंसर की किट है। अच्छा, ये रोबो आर्म है, ये 130mm का व्हील है, 130mm का व्हील है। अभी जो नोएडा में वो स्टूडेंट का वर्ल्ड कप हुआ था ना, यहीं से ज्यादातर सामान यहीं से गया, और ये व्हील भी यहीं से गए। अच्छा, जो बिजनेस ब्लास्टर में नोएडा में बच्चों ने वो पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ से प्रोजेक्ट के आइटम्स ले जाके वो अपना फिनिश गुड तैयार करके वो जो है अंकुरम लोगो वालों ने, अच्छा, उन्होंने जीता था, वो हमसे ज्यादा सामान देते हैं। अच्छा, ये आपका 40-56 मॉड्यूल है। अच्छा, ये चार्जिंग के लिए काम आता है, टाइप सी में। हाँ हाँ, ये मोबाइल के लिए होता है, टाइप सी, USB, माइक्रो, टच सेंसर वगैरह, टच सेंसर, BMS वगैरह, सारी चीजें है। कौन सा किट है ये? ये तुम्हारा आर्म, ये बोलते हैं तुम्हारा आर्म किट बोलते हैं। अच्छा, आर्म किट बनाया, ये एजुकेशन पर्पस से बना हुआ है, 50 in 1 का है ये, इसको लेगो किट बोलते हैं, लेगो किट। हाँ, अच्छा, ये मतलब एक किट के अंदर आप 50 तरीके के प्रोजेक्ट बना सकते हैं, पूरे 50 तरीके के, तो देख सकते हो बहुत अच्छा चीज है ये। स्टूडेंट के लिए तो ये बेस्ट रहने वाला है, और 3 वोल्ट से 24 वोल्ट का अडेप्टर है, एडजस्टेबल है। अच्छा, ये खुद से रेगुलेटर दिया हुआ है, अपने हिसाब से वोल्ट एम्पियर कर सकते हैं ना जी, वोल्टेज भी दिखाएगा, एम्पीयर भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, AC to DC। अच्छा, AC to DC है। अच्छा, तो सलमान भाई और क्या दिखाना चाहोगे? और आप देखो अंदर दिखाते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, सारे कंपोनेंट्स वगैरह, और अच्छा, ये सारे ड्रोन के प्रोपेलर हैं, ये अलग अलग साइजेस में है, सारे प्रोपेलर्स हैं, मतलब कि देख सकते हो, जैसे 8 इंची में चाहिए, 4 इंच में चाहिए, और इस तरीके से चाहिए ना, मतलब कि देख सकते हो, प्रोपेलर में भी बहुत वैरायटी है। ये आर्डिनो के स्टार्टर किट है। अच्छा, ये आर्डिनो के स्टार्टर किट है, ये देखिए दोस्तों, आर्डिनो के स्टार्टर किट है जी, पूरा ये किट है, जो जो प्रोजेक्ट में यूज होते हैं वो सब है। ये देखो, ये आर्डिनो के स्टार्टर किट है, ब्रेड बोर्ड वगैरह इसके अंदर है। ये देखिए, आर्डिनो की स्टार्टर किट है, ब्रेड बोर्ड वगैरह, और जो मेन मॉड्यूल हो गया, इसके अलावा ये हमारी जो मोटर हो गई, सर्वो मोटर है ना, तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर में। इस पे करें मैंने, तो अगर अंदर हम दिखाएं तो ये सारे कंपोनेंट्स है ना, ये सेंसर मॉड्यूल्स के जो हमने डिस्प्ले कर रखे ना, उसका स्टॉक है। अच्छा, स्टॉक है, रिटेल करने के लिए, होलसेल करने के लिए, ताकि हमें कोई सामान चाहिए तो हम यहाँ, ये सारे हैं। अच्छा, आपका 25-96 किसी को 10-20 पीस चाहिए तो हम कहाँ उसको मेंटेन कर रखे, हमने यहाँ से निकाला, ये देखो, और गिनके दे दिए, खोल के दे दिया आराम से, देने के लिए। आगे सिर्फ बेसिकली डिस्प्ले कर रखा है, डिस्प्ले है। अच्छा, जो जो जिसको जितना क्वांटिटी चाहिए वो मिल जाएगा ना यहाँ से, ताकि हमारे एक्सेल 25-96 है, 40-15 है, ये स्टेप अप मॉड्यूल वगैरह, बूस्ट मॉड्यूल है, चार्जिंग मॉड्यूल वगैरह है। अच्छा, सारे ये देखिए, 3D प्रिंटर की कैटलॉग वगैरह। अच्छा, 3D प्रिंटर्स के कैटलॉग वगैरह है, जो जो पार्ट यूज होते हैं जी, 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 उसके लिए ये जो है आइटम्स है, आइटम ठीक है। ये कैपेसिटर वगैरह आ गए। अच्छा, ये सारे कैपेसिटर्स वगैरह हैं, ये ड्रोन के किटे हैं वगैरह। तो सलमान भाई क्या कहना चाहोगे? अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हो, ये सारी जो है वाईफाई चिप्स है, ये वाईफाई चिप का रोल आता है। अच्छा, ये देखिए, इस तरीके का रोल आता है, जितने पीस चाहिए उतने पीस मिल जाएंगे। एक है लेविटेशन, नई आइटम दिखाता हूँ आपको, लेविटेशन मॉड्यूल। अच्छा, ये देखो, ये नई आइटम तक नहीं देखा हुआ शायद, ये है 50 ग्राम वाला, जो हवा में कोई चीज घूमती है, और उसको इधर दिखाते हैं, मेटल की कोई क्या चीज है ये वैसे? अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरी किट है। अच्छा, ये देखो, ये असेंबल करना है, ये PCB वगैरह है। अच्छा, ये PCB है वगैरह, ये असेंबल करके फिर आपको, तो सारे कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर में असेंबल होंगे दोस्तों, और सारी चीजें जो है इस पे मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे से, कि कहाँ पे जो है क्या क्या चीजें लगेंगी इसके अंदर में। ये कुछ न्यूडीनियम मैग्नेट्स हैं, लेविटेशन के लिए। ये देखो, ये सारे कॉइल्स वगैरह हैं, इसमें दो मॉडल है हमारे पास, 50 ग्राम और 150 ग्राम। अच्छा, दो मॉडल है। अच्छा, ये दो मॉडल है, 50 ग्राम और 150 ग्राम। ये सारी हमारी ड्रोन के आ गए एक्सेसरीज, ये PCB आ गए, सारे PCBs आ गए, जो कि अलग अलग साइज में है,
ये सारे मोटर कनेक्टर वगैरह। अच्छा, तो हमें लगता है कि सलमान भाई हमने जितनी भी मेन आइटम था वो हमने कवर कर लिया है, और क्या कहना चाहोगे अगर कुछ छूट रहा हो तो हमारे व्यूअर्स के लिए? देखो, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मैं अगर आप मेरे से कुछ सामान खरीदना चाहते हो तो आपको जो भी मेरे से प्रोडक्ट चाहिए उसकी फोटो और क्वांटिटी मेरे को खाली व्हाट्सएप करनी है। अच्छा, कॉल वगैरह नहीं करनी। ज्यादातर यहाँ से जो है होलसेल में डील होता है और रिटेल में भी भेज देते हैं। डिलीवरी है, कोरियर चार्ज है, जो आप ऑल ओवर इंडिया जिसको भी जहाँ से भी कोई भी प्रोडक्ट चाहिए इंडिया में, शिपिंग कोरियर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, सब मिल जाएगा। लेकिन सीओडी अवेलेबल नहीं है हमारे, सीओडी नहीं है, सीओडी नहीं है। आपको जो भी प्रोडक्ट है उसकी फोटो क्वांटिटी व्हाट्सएप करनी है, फिर हम आपको उसका रेट बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लो, नहीं तो छोड़ो, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन फोन मत करना, फोन से क्या है, हम बिजी होते हैं यहाँ पर, हम फोन नहीं उठा पाते, बात नहीं कर पाते। व्हाट्सएप पे मैं 5 बंदों से एक साथ बात कर सकते हैं, हम किसी का मैसेज आ रहा है उसे मैसेज पे रिप्लाई कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल, कॉलिंग पे नहीं दे सकते हम किसी। ठीक है, सलमान भाई, एंड करते हैं वीडियो को। शुक्रिया।